नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू। आप सबको मेरा जो YouTube चैनल है माई क्लास, उसमें स्वागत है। और आज फिर से एक नया विषय ला रहे हैं। आज का विषय है MS Access के अंतर्गत एक टेबल को कैसे आप उसमें कैसे डाटा दे सकते हैं, और डाटा देने से पहले उसका फील्ड नेम मतलब कॉलम हेडिंग देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। तो और हर कॉलम में जो फील्ड रहता है, कॉलम हेडिंग जो रहता है, जो फील्ड रहता है, उस फील्ड का डाटा टाइप मतलब कौन सा फील्ड में कैसा टाइप का डाटा जाएगा, तो उसके लिए हर फील्ड का एक अलग अलग डाटा टाइप होता है, तो उसको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विषय। हाँ, तो उससे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास से और एक बेल आइकन रहेगा, उसको भी आप क्लिक करके रखें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो देता रहता हूं और आगे भी देता रहूंगा, वो वीडियो का अपडेट आपको मालूम चले कि मैंने एक नया वीडियो दिया है, इसीलिए आप उस बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का जो विषय है वो शुरू करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, जो टेबल जो होता है उसका जो कॉलम हेडिंग है वो देना है। तो देने का कुछ बहुत सारा प्रोसेस है, तो मैं ऐसा एक प्रोसेस दिखाऊंगा जो वो उस प्रोसेस से और दूसरे काम भी हो जाते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो आप देखो ये वाला आगे का जो बहुत खांसी हो गया मुझे, तो चलिए ठीक है फिर से शुरू करते हैं। तो क्या है, जो पहला मैंने एक वीडियो दिया उसमें इतना सा ही दिखाया था कि एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने टेबल क्रिएट किया था हफेली 2007 करके, तो और गलती से 2007 हो गया, मतलब चलिए रीनेम कर देते हैं, 2007 नहीं। हाँ, तो उसको पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो आप देखो कैसे करते हैं, ये भी सीख लो रीनेम कैसे करते हैं। तो राइट क्लिक करके आप क्या कर दो, इसको क्लोज कर दो पहले, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम, तो आ गया रीनेम, तो 2007 नहीं 2017 करते हैं, और 2007 बोलते बोलते ऐसे 2007 ही आ गया। तो चलिए फिर मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो ये ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो ये टेबल फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट। तो अपना जो विषय था वो था कि फील्ड कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, ये होम टैब या फिर डाटा शीट टैब, दोनों में किसी जगह भी आइए, ये बटन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे भी आएंगे तो ये बटन मिलेगा, यहाँ पे भी आएंगे तो ये बटन, तो इस बटन को क्लिक करना है। कौन सा टैब में है, होम टैब या फिर डाटा शीट टैब, ठीक है ना। और कौन सा ग्रुप में है, व्यूज ग्रुप। व्यूज ग्रुप के क्या बटन है, व्यू ग्रुप, ग्रुप्स ग्रुप है व्यूज, और ऑप्शन है व्यू, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक करो और आप क्या करो, डिजाइन व्यू पे आप क्लिक कर दो, तो ये आगे आपका डिजाइन व्यू। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डाटा कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा, टेबल का पहला फील्ड रोल नंबर, ठीक है, ओके। और इसका डाटा टाइप क्या होगा, देखो बहुत सारा डाटा टाइप होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम नंबर भी पकड़ सकते हैं लेकिन टेक्स्ट पकड़ लेते हैं। तो ये क्यों है, तो ये थ्योरी का विषय है, क्योंकि फिर भी थोड़ा बता देते हैं आपको। नंबर वहां पे ही आपका क्या होता है, एंट्री होते मतलब डाटा टाइप पकड़ा जाता है, जहाँ पे क्या हो उसका वैल्यू कैलकुलेशन में आए। जैसे रोल नंबर 1, 2, 3 और उसका तो कैलकुलेशन में आने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो 1, 2, 3, 4 प्लस करना है या फिर 1, 2, 3, 4 आपको माइनस करना है, तो वो सिर्फ ऐसे ही नंबर काउंट के लिए है, तो इसलिए उसको हम टेक्स्ट पकड़ते हैं। और टेक्स्ट डाटा टाइप में क्या होता है, टेक्स्ट भी एंट्री होता है, नंबर भी एंट्री होता है, और अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मिक्सअप ऑफ आपका नंबर और अल्फाबेटिक, ठीक है ना, ये है। और नंबर में सिर्फ नंबर एंट्री होता है, ठीक है, और कैलकुलेशन के समय एंट्री होता है। तो ये टेक्स्ट गया, उसके बाद मैं क्या दे देता हूँ, नेम, NAME, नेम, ओके, नेम दे दिया, तो ये रिजर्व ऑर्डर, ठीक है, ओके कर देता हूँ, एक कुछ नहीं। नेम आते ही फिर यहाँ पर टेक्स्ट, तो ठीक है टेक्स्ट आएगा। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स लिख दिया, नेम किसका, नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास नहीं ऐसे लिख दिया, तो ये लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना। मैंने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ
क्लास 10, ठीक है ना, ये नहीं देने से भी होता है, ठीक है। उसके बाद सपोज कितना किसको कितना सब्जेक्ट में मिला, तो सपोज इंग्लिश में किस कितना मिला, ठीक है, तो ये नंबर पकड़ लो, क्योंकि ये टोटल भी निकाल सकते हैं ना कि एक स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में कितना कितना मिला और टोटल उसको कितना मार्क मिला, तो ये कैलकुलेशन में आ जाएगा इंग्लिश का मार्क, इसलिए हमने इसको नंबर पकड़ लिया, ठीक है। मैथ, ओके, ये भी नंबर पकड़ लेते हैं, ओके। उसके बाद सपोज साइंस, साइंस, उसके बाद सब सोशल साइंस, सोशल साइंस, ओके। तो ऐसा है, हमने इस चीज को पकड़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे सेफ क्लिक कर दो। सेफ क्लिक करते ही ये सब सेफ हो गया। अभी फिर आप डाटा शीट व्यू में आ जाओ। अभी देखो क्या होता है, डिजाइन व्यू था ये वाला, अभी जो व्यू है ये वाला व्यू है। अभी हम कौन सा व्यू में आ रहा है, डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू आते ही देखो ये सब आ गया, मतलब हमने वहां पे डिजाइन किया था और यहाँ पे सब क्या शो करना शुरू किया। तो ठीक है, ये साइंस दिख नहीं रहा है तो हमने थोड़ा इधर खींच दिया, तो अभी ये साइंस पूरा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप अभी एंटर करो, वन सपोज नेम राजू ऑल, ओके। उसके बाद सपोज मार्क कितना कितना मिला, ठीक है ना, ओके, इसे मार्क क्या मिला। तो ऐसे एंट्री हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एंट्री ऐसे एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है। कर देते हैं दो टू, आप देख लो ठीक से और आपको ठीक से समझ में आए, आप बार बार देखना, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे हमने क्या सीखा, एक टेबल है, टेबल का फील्ड कैसे पकड़ते हैं और उसका डाटा टाइप कैसे पकड़ते हैं और उस फील्ड को क्रिएट भी कैसे करते हैं। तो हमने तीन चीज सीखा, फील्ड को पकड़ना, नाम कैसे देते हैं और उसका डाटा टाइप, तो ये हो गया दो, और एक हो गया टेबल में कैसे डाटा एंट्री करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो और एक होता है, और एक चीज बताना मैंने आपको भूल गया कि आप ये जो है आपका फील्ड नेम, मैंने डिजाइन व्यू पे किया, आप यहाँ पे भी कर सकते थे। आप कोई भी फील्ड हेडर पर आप दो बार, मतलब फील्ड हेडर जैसे ये नेम दो बार क्लिक करो, मतलब डबल क्लिक करो, तो क्या हो जाएगा, इसका एडिटिंग मोड में आ जाएगा। फिर आप कुछ भी इसको लिख भी सकते हो और काट भी सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर दीजिए कि आई एन जी नहीं चाहिए, आई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश चाहिए, तो देखो ये हो गया। और यही सेम चीज क्या हो गया, फिर डिजाइन व्यू में भी चेंज हो गया, देखो इंग्लिश, ठीक है ना। इधर चेंज करेंगे तो उधर होगा, उधर चेंज करेंगे तो उधर होगा। तो कोई कोई मेरे से पूछता है कि आप तब आप जो वो है आपका, मतलब फील्ड नेम जो हमने पकड़ा, तो आप यहाँ पे नहीं दे के आप डिजाइन व्यू में क्यों दिए, यहाँ पे वहां पे ही दे सकते थे, फिर इधर से आना फिर उधर जाना। मैं आपको इसीलिए ये सिखा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा फीचर्स है, ये सब बहुत सारा चीज है जो हमें और आगे का वीडियो में हमको मालूम चलेगा ये सब का यूज, और ये सब बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसीलिए आपको डिजाइन व्यू में आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने अभी से आपको डिजाइन व्यू में ही सिखाना शुरू किया है कि सभी चीज डिजाइन व्यू में ही आप सीख लो, ठीक है। जो जो मतलब डाटा शीट में होता है वो उसका कुछ कुछ चीज डिजाइन व्यू में भी होता है, तो वो सब जो दोनों चीज में रहता है, तो वो मैं बोलता हूँ आपको कि आप डिजाइन व्यू में ही सीखो, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट करें, तो मैं और ठीक से समझाने का और कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करें जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।